सो so, e. Now we are दिस इज मानसी चैप्टर अब हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक बेल अब यहाँ पे वैसे तो आगे एक इमेज भी होगी जिसमें आपको क्लियरली दिख जाएगा इस तरह से होती है एक इलेक्ट्रिक बेल अब यहाँ पे आप इसका डायग्राम देख सकते हो सो वी हैव अ बैटरी ठीक है पूरा सर्किट एक्सप्लेन कर रही हूं एंड ये जो है दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेट जो हम अभी आप पीछे पढ़ के आए हुए हैं ठीक है यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है Then we have a soft &A, पे आप देख, देख सकते हो ये गॉन्ग है एंड एक छोटा सा यहाँ पे हैमर लगा हुआ है ठीक है और यहाँ पे इसका स्विच है ठीक है सो ये पूरा हो गया इसका सर्किट और वो समझ लिया हमने अब आके जाके एक एक इसका कॉम्पोनेंट देखते हैं सो नेक्स्ट टॉपिक हो गया हमारा कॉम्पोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल्ट तो क्या क्या होता है over an iron piece that forms the electromagnet. Electromagnet form किया हमने उससे क्या होगा Magnetic effect कर, create होगा उसका Then an iron strip, soft iron amateur. एक iron की strip लेने है बहुत बड़ा लोहे का टुकड़ा नहीं iron की strip की बात हो रही है which has a hammer attached to it, which is joined to the wire coil. अब देखो यहाँ पे जो बोला है ये रहा हमारा जो soft iron बोला है वो ये है उसके साथ हमारे पास एक हैमर अटैच है ठीक है जो कि पूरा अटैच है इस सर्किट से यहाँ से वायर से अटैच हो रहे है ना? ओके? आगे है अंटेक्ट स्क्रू थ्रू विच इज अटैच टू स्ट्रिप अब यहाँ पे कॉन्टेक्ट स्क्रू है जिससे वो अटैच है आयरन स्ट्रिप से जो की अटैच है नेक्स्ट है अ बैटरी विच कनेक्ट दी वायर कॉयल एंड द्रू अब एक बैटरी लगी हुई है अभी हमने उसमें देखा था ना यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई जिससे ये पूरी दोनों ये सारी चीजें अटैच है ओके देन स्विच इन द मिडल ऑफ द सर्किट और सर्किट के मिडल में यहाँ पे कहीं स्विच लगा हुआ है उसमें आप डायग्राम में ज्यादा क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे आप क्लियरली एक स्विच देख सकते सो नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट टॉपिक विच इज वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल नाउ हाउ डन इलेक्ट्रिक बेल वर्क सो वेन दिच ऑफ दी ऑन दी स्विच तो क्या उसमें होता है और कैसे वो बेल रिंग करती है लेट्स इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू दी कॉइल ऑफ वायर विच मेक्स द आयरन पीस अटैच टू इट एक्ट एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट अब क्या होता है जैसे ही हम ऑन का बटन दबाते हैं तो जो बेल में है इलेक्ट्रिक करंट पास होना स्टार्ट हो जा तो पूरा हमने यहाँ पे डायग्राम देखा था ना सो so, यहाँ पे अब इलेक्ट्रिक करंट पास होना स्टार्ट हो गया एंड जो यहाँ पे आयरन के ये लगे हुए हैं ये क्या करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं मतलब इनमें एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है एज अ रिजल्ट द आयरन पीस अट्रैक्ट्स दी हैमर टूवर्ड्स इट सेल्फ दी हैमर डज हिट्स दी बेल एंड अ साउंड इज प्रोड्यूस तो सिंपली जब उसमें मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है तो वो क्या करता है हैमर को अपनी तरफ

इसके पास जाता है तो यहां पे जो इसका अरेंजमेंट है वो ब्रेक हो जाता है वो अरेंजमेंट ब्रेक होता है तो क्या होता है सर्किट जो कंप्लीट सर्किट था जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा था वो सर्किट अब इनकम्प्लीट हो गया है ना सो सर्किट ब्रेक हुआ हमारा एज दी सर्किट ब्रेक्स दी वायर कॉइल स्टॉप रिसीविंग एनी करंट विच मेक्स द इलेक्ट्रो मैग्नेट लूज इट्स मैग्नेटिक मैग्नेटिक इफेक्ट अब क्या हुआ जैसे ही वो सर्किट ब्रेक होगा तो जो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन हो रही थी सर्किट में जैसे हमें पता है ना कि सर्किट का ब्रेक होते ही इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन होनी बंद हो जाती हो जाती है तो जैसे ही सर्किट ब्रेक हुआ इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन बंद हो गई अब अगर इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन नहीं हो रही तो जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है मतलब जिसमें मैग्नेटिक फील्ड था अब उसका भी मैग्नेटिक फील्ड चला गया क्योंकि वो तो इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस हो रहा था और जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही तो वहां पर भी कुछ नहीं आ रहा तो मतलब उसका भी मैग्नेटिक इफेक्ट खत्म हो गया एज ए रिजल्ट दैमर फॉल्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन अब उसने तो हैमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रखा था अब अगर इसी पार्ट में मैग्नेटिक्त नहीं है तो हैमर वापिस अपनी जगह पे चला गया नाओ देन एज दी हैमर फॉल्स बैक दिप अगेन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द्रू एंड सर्किट गेट्स कंप्लीट अब जैसे वो अपनी पोजिशन पे वापिस जाता है तो क्या होता है फिर से वो अपनी पोजिशन पे आ गया सर्किट Complete हो गया। अब जैसे ही सर्किट कंप्लीट हुआ फिर से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन होनी शुरू हुई और वो फिर से इलेक्ट्रो फिर वो हैमर को कर रहा है तो यही प्रोसेस रिपीट होता रहेगा कब तक जब तक उस बेल को कोई ऑफ नहीं करेगा सो द होल प्रोसेस कंटिन्यूज जब तक उसको ऑफ नहीं किया जाएगा ठीक है सो दिस वॉज अबाउट वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल ऑल्सो दिस वॉज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर तो इस चैप्टर के जो भी नोट्स थे वो हमने कवर अप कर लिए आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सो नाउ वील क्विकली गेट टू दिस चैप्टर